ओके लेट्स गो। मुश्किल था उस वक्त को भुला देना जिसने ठान ली हो बार बार वापस आने की। मुश्किल था आगे बढ़ जाना जब छूट गई हो उम्मीद खोए हुए अपनों को वापस पाने की। मुश्किल था घर की चार दीवारी में कैद होना और अपनी फैमिली को एक रेक्टेंगल बॉक्स से ही हाय हेलो बोलना। मुश्किल था कभी ऑक्सीजन कभी प्लाज्मा मांगती हुई चीखों को लगातार सुनना मुश्किल था। पर गहरे पसरे सन्नाटों में जब हम अपने घरों में दुबके बैठे थे तब ढाल बनकर हमें बचाने फ्रंट लाइन पर सफेद कोट वाले ठहरे थे। मुश्किल था पर बंद शटर के बीच से दोनों तरफ से मास्क खींच के बाइक पर सवार हेलमेट पहनकर हम सबकी जरूरतों का ख्याल रखा। डिलीवरी वाले भैया दीदी ने कभी हंसकर कभी रोकर मुश्किल था। पर स्मार्टफोन के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है जो आज भी नगद और छुट्टों पर चलती है। वो दुनिया अपने पैसों के लिए ना तरस जाए इसीलिए बैंकों का खुलना भी जरूरी है। मुश्किल था पर एक वायरस के आ जाने से देश के बाकी खतरे कहाँ टलने वाले थे इसीलिए सरहद पर वायरस भूल जवान डटे रहे क्योंकि उनके लिए तो सारे देशवासी उनके घर वाले थे। वर्दी की जो बात चली है तो खाकी वालों को हमारा सलाम। ऐसे और भी ना जाने कितने बेनाम हीरो कभी वॉलंटियर तो कभी डोनर कभी महज एक पड़ोसी बनकर सबने साथ दिया जमकर। थिएटर में मार ली हो सुपर हीरोज के लिए सीटियां तो लेट्स सैल्यूट द वंस जिनकी वजह से हम लोग चैन से कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम और आराम। मुश्किल था पर अब इस न्यू नॉर्मल को 2 साल होने को हैं। आज भी हम पहले की तरह थोड़े सहमे सहमे से हैं। मुश्किल था और शायद अब भी मुश्किल है पर इस बारी थोड़ा और ख्याल रखते हैं। जो हमारे बस में है बस वही करना है। सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रिकॉशंस थोड़ा एहतियात बरतना है। मुश्किल था पर मुश्किलों का पहाड़ तो उन फ्रंटलाइन वर्कर्स ने उठा रखा था इसलिए आज फॉर अ मोमेंट लेट्स पॉज उन वॉरियर्स के लिए जो हमेशा हमारे लिए थे अनपॉज।